कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड कीर्ति, दिस साइड सागर एंड यू आर वाचिंग फैमिली वाला रिएक्शन। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही छोटी है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट अराउंड मतलब 3 मिनट की है, बट इस वीडियो में भी इट्स लाइक कि अगर मतलब अल्लाह की इबादत करना भी लोग नहीं छोड़ते जो बहुत ही ज्यादा मोमिन होते हैं, लाइक उनके लिए बिल्कुल ही सब कुछ उन्होंने अपना मतलब सब कुछ अपना उन्होंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ होता है। तो इसी जो है एक इसी वाक्या से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है कि भयंकर हादसे में भी नमाज को नहीं छोड़ा, मतलब कोई भी सिचुएशन हो बट उन्होंने नमाज, हाँ अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज अदा कर रहे हैं तो उन्होंने बीच में नमाज को नहीं छोड़ा, तो ये होने वाला है वीडियो और काफी अच्छा होने वाला है। तो करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। अल्लाह के नाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली रजा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो में आप मस्जिद में रिकॉर्ड होने वाले कुछ ऐसे वीडियोस देखने वाले हैं जो आपको शदीद हैरत में डाल देंगे और शायद आपने ऐसे मनाजिर पहले ना देखे हों। सो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम दोस्तों, नमाज इस्लाम का एक बुनियादी अरकान है जिसे बड़े खुशू और खुजू के साथ अदा किया जाता है। इस वीडियो में देखिए दोस्तों कि मस्जिद में दो लोग नमाज अदा कर रहे थे कि तभी अचानक कोई अजीब सी शक्ल वाली चीज सामने दिखने लगती है, पता नहीं ये जिन था या फिर कोई और शय। इसको देखते ही एक को नमाज तोड़कर भाग जाता है जबकि दूसरा अपनी नमाज में ही मशगूल रहता है और अल्लाह से मदद मांगता है। दोस्तों हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए या फिर कितनी भी मुसीबत हो, अल्लाह की रहमत से कभी महरूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को जरा देखिए कि मस्जिद में जमात हो रही थी कि अचानक जलजला आ जाता है। कुछ लोग तो जान बचाने के मारे नमाज तोड़कर भाग जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर दिल थामे रखते हैं, आखिर में वो भी नमाज तोड़ देते हैं। खैर दोस्तों ये अपने अपने ईमान का नजरिया है। अगर आपने मरना ही होता तो मस्जिद के बाहर कौन सा बच जाते? अगर अल्लाह के घर मस्जिद में और इससे भी बड़ी बात के नमाज के दौरान मौत आ जाए तो इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है। दोस्तों अब जरा इस वीडियो को देखिए जो कि सऊदी अरब का है। मस्जिद में नमाज के दौरान खूबसूरत तिलावत हो रही थी कि तभी अचानक एक शख्स रुकू की हालत में चला जाता है और अजीब व गरीब किस्म की आवाजें आती हैं। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या था। दोस्तों ये वीडियो इंडोनेशिया का है कि जब नमाज के दौरान एक भारी जलजला आ जाता है जिसमें हर चीज हिलने लगती है। मगर दोस्तों कुर्बान जाइए इस मोमिन के ईमान पर कि मस्जिद के इमाम अपनी तिलावत को जारी रखते हैं, जलजला तेज होने पर अपना हाथ दीवार पर रख लेते हैं मगर अपनी नमाज को नहीं छोड़ते। ये वही इबादत है जिसका सवाल कयामत के रोज सबसे पहले किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज बुराइयों को रोकती है और गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे किसी पेड़ से पत्ते गिरते हों। कुरान मजीद में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो नमाज है। जब एक मोमिन सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, गोया कि वो अपने रब से कलाम करता है। अल्लाह हम सबको पंजगाना नमाज व जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे अगली वीडियो आने तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो उन्होंने वो 2-3 वाक्यात दिखाए जिसमें अल्लाह के जो भी सजदा कर रहा था, जो नमाज अदा कर रहा था, उन्होंने कितनी भी मुश्किलें आ जाए उन्होंने अपनी नमाज नहीं तोड़ी और वो नमाज पढ़ते रहे। क्योंकि कुछ भी है, अगर कुछ भी होगा तो वो तो कभी भी हो जाएगा, चाहे वो मस्जिद के अंदर हो चाहे वो मस्जिद के बाहर हो, जब लिखी है तो उसको आप रोक नहीं सकते। तो इसमें इन्होंने कैसे दिखाया कि कैसे वो सजदा कर रहे थे और सामने एक्चुअली में कोई खड़ा था, मतलब इट्स लाइक रिकॉर्ड हो रखा है ये भी कि सामने कोई खड़ा था जिनसे जिन्हें देखकर एक तो अपनी नमाज छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे वहीं पर अल्लाह से जो है हेल्प मांगते हैं और वो वहीं खड़े रहते हैं जब तक उनकी नमाज पूरी नहीं हो जाती। तो ये बहुत ही अच्छा वाकया है कि लाइक
वो कहते हैं कि ना अल्लाह मतलब कुरान में भी जो है नमाज अदा करने के लिए बोला गया है, ज्यादा जोर डाला गया है क्योंकि नमाज में अल्लाह ने बोल रखा है कि मतलब इट्स लाइक नमाज में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाती है, प्लस आप जो है उस टाइम पर खुदा के बहुत करीब होते हैं, तो आप अगर आपने कुछ गुनाह किए तो उनकी माफी भी आपको नमाज के जरिए मिल जाती है। तो वही है कि पांच बार की नमाज जो है ये फर्ज हो रखी है मुस्लिम्स पर, जो सबको करनी चाहिए। और उन्होंने कैसा जो है दूसरा किस्सा दिखाया कि कैसे जलजला आ जाता है और सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, वही है अपने ईमान, हाँ ईमान की बात होती है कि कुछ लोग वहीं पर रहते हैं और वो नमाज अदा करते हैं। और ऐसा ही इंडोनेशिया का वाक्य दिखाया गया कि कैसे इंडोनेशिया में क्या हुआ, मौलवी थे वो नमाज वो पढ़ रहे थे, हाँ नमाज पढ़ रहे थे, बाकी सारे चले जाते हैं बट वो वहीं रहते हैं, जबकि वो तेज भी हो गए थे तो उन्होंने वॉल को टच कर लिया बिल्कुल, लेकिन स्टिल वो वही रहे। और फिर जो है एक आई थिंक सो वहां पे मक्का में खाने काबा के वहां पे भी बताया कि कैसे एक उनके अंदर कुछ हाँ कुछ हो गया था, बट स्टिल वहां पे आसपास सारे जो लोग थे उन्होंने फिर भी नमाज अदा करनी नहीं बंद करी और वो नमाज अदा करते रहे। और वही है कि सल्यूशन वही है ना, उन्हीं के पास सल्यूशन है तो फिर उन्हीं को क्यों ना पुकारा जाए। तो ये था वीडियो में, और बहुत अच्छा वीडियो था कि बस अल्लाह के ऊपर भरोसा और अल्लाह को याद करना, अल्लाह मतलब नमाज अदा करनी जो फर्ज है वो करना मत भूलेगा क्योंकि यही सब जाएगा सा और कुछ नहीं जाएगा। तो ये था वीडियो पर हमारा रिएक्शन, होप करते हैं आपको ये वीडियो एंड हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया और वीडियो भी पसंद आई है तो फिर क्या करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल फैमिली वाले रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए। yes. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।